बुरा ना माने तो मैं तेरे से एक बात कहूँ। हाँ बोलो। देख, मैं तेरी बचपन की फ्रेंड हूँ और मैं तुझे तब से जानती हूँ, और आज तू 30 की होने वाली है ना? अपने माँ बाप की इकलौती प्यारी बेटी थी तुम, लेकिन यार वही हुआ ना, माँ के जाने के बाद पापा ने तुम्हारा भरपूर ध्यान रखा। मैंने अपनी नज़रों से देखा यार, कितनी कमी थी तेरे घर में पैसों की, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें ग्रेजुएशन तक कराया। हाँ। लेकिन फिर हाँ मेरी बेटी, मैं जानता हूँ कि मेरे पास वक्त कम है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ मेरी बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इतना वक्त खरीद सकता कि तुम्हारे हाथ पीले करके इस दुनिया से विदा लेता, जो के हर माँ बाप का अपनी बेटी के लिए सपना होता है। आप दिल छोटा मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। तुम्हारे पिताजी बच सकते हैं अगर उनका इलाज सही से हो तो, अगर तुम चाहो तो। मैं तुझे देख लूंगा बाद में। पापा, अरे पूनम कहाँ खो गई तू? नीरू तू मुझे बता कि मैं क्या करूं? मैंने अपने पापा को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, एक एक पैसे के लिए तरसते हुए देखा है, और मैंने कभी आज तक अपना सौदा भी नहीं किया, और आज ये समझ में आता है कि ये दुनिया एक मंडी है और सिर्फ यहाँ पर पैसे का सिक्का चलता है और कुछ नहीं, तो क्यों ना इसकी सही कीमत लगाऊं? हाँ, मैं इस सोने के पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहती नीरू। फिर तू क्या चाहती है पूनम? मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, खूब सारी दौलत, जिससे मैं बहुत ऐश कर सकूं। टचवुड ऐसा ही होगा। फिर तो मैंने तेरे लिए जो सोचा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करेगी। क्या सोचा है तुमने मेरे लिए? अरे वो इनके जानने वाले हैं ना,
उनमें एक रईस है, कुंवर प्रताप सिंह नाम है उनका। वैसे तो बहुत रईस है और किसी सनक की वजह से उसने आज तक शादी नहीं की, लेकिन अब कहता है शादी करना है, शादी करना है, वो भी एक खूबसूरत लड़की से। अगर तू कहे तो मैं बात चलाऊं। अब जब ठान ही लिया है कि जिंदगी का ये हसीन खेल खेलना ही है, तो फिर वो कम्बक 10 या 20 साल ही तो जिएगा। और फिर क्या है, एक तरफ से इनकम और एक तरफ से उसका टाइम कम। है ना, तू चिल कर। अच्छा सोचा है तुमने। हमारे लिए रिश्तों की और लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन हमें कि इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर अब जब उम्र हाथ से फिसलने को है, तो ना जाने क्यों शादी के हसीन ख्याल ने हमारी रातों की नींद और दिन का चैन लूट लिया। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? इन आंखों में छुपा प्यार, जो शायद हमारे लिए ही आज तक छुपा कर रखा होगा। पर आपको यह सब अजीब लग रहा होगा। मुझे क्यों अजीब लगेगा? मैं जानता हूं, हर हसीन और खूबसूरत लड़की के सपने कुछ और ही हुआ करते हैं, लेकिन आपने... लेकिन इसमें आपका कसूर नहीं है कुंवर साहब, ये राह तो मैंने खुद चुनी है ना। हम यकीनन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, यहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपने आप को सोने के पिंजरे में कैद ना समझें, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी सकते हैं, हमारी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आप ताउम्र हम पर प्यार की बरसात करती रहें। अगर आपकी इजाजत हो तो उस ख्वाब को पूरा कर लें। ओह माय डार्लिंग, कम ऑन। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हमने आपकी नींद डिस्टर्ब तो नहीं की?
गुड मॉर्निंग। अब टाइम क्या हुआ है? 9 बजे हैं। अरे इतनी लेट? मैं तो इससे कभी पहले इतनी लेट नहीं उठी। अच्छा आप उठ गए थे तो आपने मुझे क्यों नहीं उठाया? माय डार्लिंग, हमें तो सुबह सुबह जल्दी उठकर शेर सपाटे पर जाने की बुरी आदत है। आप गहरी नींद में सो रही थी, सोचा क्यों डिस्टर्ब करूं। बट यू डोंट वरी, बेड टी इकट्ठे लेंगे। और हाँ, आज शाम को हमारे घर पर क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी रखी है। तो मुझे क्या करना होगा? नथिंग डार्लिंग, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम्हें नौकरों पर हुक्म चलाना है और अपनी नजरें इनायत इस नाचीज पर रखनी है। हम भी ना। शायद इस दिन के लिए ही हम जिंदा थे, अब अगर जान भी निकल जाए ना तो हमें कोई गम नहीं। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी कामों को आज पूरा करना है, तो मैं नाश्ता करते ही निकल जाता हूँ। और आपका लंच? ओह माय स्वीट हार्ट, आप इतने प्यार से याद करेंगी तो हम लंच से पहले ही आपकी सेवा में पहुंच जाएंगे। कम ऑन डार्लिंग। हेलो। भाई आ गए, आ गए, भाई आ गए, भाई आ गए। क्या जोड़ी है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शादी मुबारक हो सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कुंवर साहब, देर आए पर दुरुस्त आए। भाभी ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे से दोस्त का, अब ये आपके हवाले है। अरे वाह कुंवर साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमने आपको इतने प्रपोजल भेजे रिश्ते के लिए, लेकिन आप ना अनुकूल करते रहे, और अब ये सब कुछ। एनीवे मुबारक हो। थैंक यू सो मच अनुजी। अनुजी आप तो जानती हैं कि ये जिंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों डार्लिंग? थैंक यू। शादी मुबारक हो कुंवर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोज दे दे उत्ते तेनू फुल्लां ना सजावां, फुल्लां ना सजा के तेनू परिजी बनावां, परिजी बना के दूर अंबरी ले जावां, अंबरी ले जाके हाल दिल दा सुनावां, बैके कदमा च देवां तेनू रोज, दिल दे के तेनू करा परपोज। I wanna you soniye, don't shy baby, aaja tu close. I wanna you soniye, Vicky Kajla. वादा तेरे नाल जिंदगी बिताउण दा, प्रॉमिस है हर खुशी चोली तेरी पाउण दा, हर खुशी दिनो दिन दुगनी वधाउण दा, गलती जे हो जे कोई रोंदी नू हसाउण दा, कर हागी तेनू लेना ए मना, प्यार करू विन के बेपना। I wanna you soniye, don't shy bas meri ban ja, I wanna you soniye, hi। Thank you so much। आप लोग पधारे, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आप लोगों के आभारी हैं। थैंक यू। एंजॉय डार्लिंग, एंजॉय, एंजॉय डार्लिंग, एंजॉय। कम ऑन डार्लिंग, चलें। कम ऑन, कम ऑन।
इंजॉय इंजॉय इंजॉय। लगता है भाभी जी आपसे मिलना ही पड़ेगा। आप ही ना। वाह भाई आज तो मजा आ गया। सब लोग बहुत खुश थे और हैरान भी। हैरान क्यों? क्योंकि सब लोग जानते थे कि कुंवर साहब कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने हमारी हसीन बीबी को देखा तो सब लोग कहने लगे कुछ भी कहो कुंवर साहब देर आए पर दुरुस्त आए। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ। ओ तेरे, ओ माय गॉड, आप तो कत्ल करने के मूड में हैं। हम अभी आते हैं। आ गए आप। एक दिन की बात बोले जी। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत खूबसूरत पल होते हैं, लेकिन उनमें से एक पल हमारी तकदीर बनाएगा, कभी सोचा नहीं था। मैं एक बात बोलूं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हम ये तो नहीं जानते कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे। आइए ना। भाभी जी नमस्कार। आह नमस्ते रोहित भैया। आप ये बुके किसके लिए है? आप जैसे सुंदर भाभी के लिए। थैंक यू। वैसे कैसे आना हुआ? कुंवर साहब तो बाहर गए हैं और परसों तक घर आएंगे। जानता हूँ। तो फिर कोई जरूरी काम? क्यों, वैसे नहीं आ सकता हूँ क्या? क्यों नहीं आ सकते, आपके दोस्त का घर है। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती। अरे नहीं नहीं भाभी जी, जल्दी नहीं है, आराम से बैठ के कुछ बातें बातें करते हैं। ये भी ठीक है, बैठिए बताइए क्या बताना चाहते हैं आप। भाभी जी बुरा मत मानना, कभी कभी आप दोनों के बारे में सोचता हूँ ना, तो आपका ख्याल आते ही दिल थोड़ा उदास हो जाता है। क्यों, हम तो ठीक ठाक है और जिंदगी काफी मजे में चल रही है। क्या वाकई पूरे मजे में? रोहित जी मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जी आप खुद समझदार हैं, आप अपनी उम्र देखिए भाभी जी, और बेचारे कुंवर साहब, मेरा मतलब है कि रोहित जी आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। आप कुंवर जी के दोस्त हैं इसलिए आपकी इज्जत रख रही हूँ। आपको क्या लगता है हर औरत एक फूल की तरह होती है? हाँ, जब औरत अपनी पे आ जाए ना तो इंसान को राख बना देती है। चलता हूँ भाभी जी, लेकिन राख तो आपकी जिंदगी हो चुकी है। राख हो चुकी है आपकी जिंदगी, चलता हूँ। ये क्या, मैं तो बुढ़ी हो चली हूँ। जिंदगी इतनी आगे आ गई है और आज भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं वही रुकी हुई हूँ। इतना सुंदर सपना देखा था मैंने कि अकेले ऐश करूंगी, पैसे होंगे मेरे पास, लेकिन ये कमबख्त इंतजार खत्म ही नहीं होता। ना जाने कब ये कुंवर साहब। आप मिसेस कुंवर सिंह की वाइफ बोल रही हैं? जी। देखिए मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, कुंवर साहब का एक्सीडेंट हो गया है। आ, 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 आ,
कुंवर जी। आप मिसेस कुंवर सा? देखिए, उनकी हालत के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हेड इंजरी हुआ है, उनका ऑपरेशन स्टार्ट है। मुबारक हो पूनम, इतनी बरसों की तपस्या का फल मिलने का समय अब फाइनली आ गया। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारी परछाई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ। क्या तुम वाकई परेशान हो या खुश हो? मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज चली जाओ यहाँ से। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, आपकी दुआओं का असर काम किया। तो मतलब मैं कुंवर जी से मिल सकती हूँ अभी? हाँ, लेकिन होश आने के बाद। तो होश कब तक? घबराने की कोई बात नहीं है, जल्दी होश आ जाएगा और फिर हम उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट करने के बाद आप मिल सकते हो। जी, थैंक यू वेरी मच। अरे मल्होत्रा साहब, हम आपका वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गए भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से आ जाइए। हाँ, ओके ओके ओके। ये लीजिए, आप पहले अपना सूप पी लीजिए, फिर उसके बाद दवाई। इसे वहां रख दो। मेरे पास बैठो। जी, कहिए। हमें आज समझ में आया है कि शादी क्यों करनी चाहिए। क्यों? देखो ना, अगर आप हमारी इतनी सेवा नहीं करती तो शायद हम इस जिंदगी से, इस दुनिया से। इसमें मैंने क्या किया है? ये तो डॉक्टर की मेहनत और ऊपर वाले की रहमत है, मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ऐसा। कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? दिन रात की देखभाल, रात रात भर जागना और अपने सुहाग की जिंदगी के लिए दुआएं मांगना, ये सिर्फ एक वाइफ ही कर सकती है, कोई दूसरा नहीं। ये तो मेरा फर्ज था। सिर्फ फर्ज? या साहब, मल्होत्रा साहब आए हैं। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दो, हम आते हैं। जी साहब। सुनो डार्लिंग, मल्होत्रा साहब के लिए स्पेशल चाय और नाश्ता अपने इन मुबारक हाथों से बनाओ। जी, अभी लाई। इतनी जल्दी नहीं है, आराम से। और मेरी दवाई और सूप भी वहीं ले जाओ। आप तो बड़ी ढीठ निकले कुंवर साहब, मैंने सोचा था आपका वक्त पूरा हो गया है और अब मेरा वक्त शुरू होगा, लेकिन आप तो दिन भर दिन निखरते ही जा रहे हैं। और ये वक्त मेरी मुट्ठी में जैसे जैसे कैद हो रखा है, लेकिन अब और इजाजत नहीं दूंगी मैं इस वक्त को। इसे कैसे और कब अपने काबू में करना है और अपने सपने कैसे पूरे करने हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। आप बस तैयार रहिएगा कुंवर साहब। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। हाँ, रख दो। मैंने सोचा आप सो गए होंगे। नहीं, नींद कहाँ, मैं कुछ गहरी सोच में पड़ा था। अब आप ये सब कुछ सोचना बंद कीजिए और आराम से दूध पीजिए। ये लीजिए। लाइए, पी लेते हैं। मैं आपके बारे में ही सोच रहा था, पता नहीं कब सांसों की पूंजी खत्म हो जाए, जिंदगी का खाता बंद हो जाए, हमारी बेशुमार दौलत और दूर दूर तक हिली हुई हमारी अपार संपत्ति
एक्चुअली मेरे बाद संपत्ति की वारिस तो तुम ही हो, लेकिन जब तक कानून की मुहर नहीं लगी थी मुझे सुकून नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं और दिल में बहुत सुकून है। हमारे बाद सिर्फ आप ही हमारी दौलत और संपत्ति की एकमात्र वारिस आप होंगी। अरे ठंडा हो गया। वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलो ना। मुझे आपसे क्या हुआ? मुझे आपसे प्यार हो गया है। अरे अरे अरे, अरे।